नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। और दोस्तों, आज मैं आपके पास कोई भी शिक्षा से जुड़ी हुई कोई खबरें लेके नहीं आया हूँ। आज मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे एक बात करने के लिए आया हूँ। और वैसे उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, एक जनरल आपको पता चल ही गया होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी हो चुका है। और PNP से डॉक्टर सुता सिंह जी ने रिजल्ट भी जारी कर दिया है, विज्ञप्ति भी जारी की थी। उससे पहले उन्होंने बताया था कि कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, कितने उत्तीर्ण हो गए, सब उन्होंने उसमें जानकारी दी थी। और ये रिजल्ट जो बेसिक upbasic.edu.gov.in पर रहेगा वो 30 अगस्त तक ही इस पर रहेगा, अपलोड रहेगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा में 125,746 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इसमें आवेदन किए थे, लेकिन जो उपस्थित हुए थे जिन्होंने परीक्षाएं दी थी वो 107,873 थे। 107,873 ने इसमें जो है परीक्षा दी और पास हुए हैं 41,556 इसमें कैंडिडेट पास हुए हैं। दोस्तों, मुझे ये संख्या बताने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक बार ये भी सोचा था कि शायद मुझे ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए। लेकिन देखिए, बुरा वक्त तो है ही कि ये जो रिजल्ट जारी हुआ है वो 40-45% जो कट ऑफ रखा गया था उस के आधार पर हुआ है। और ये कोर्ट के ऑर्डर के अधीन भी है रिजल्ट जो है, तो ऐसे भी नहीं कि ये फाइनल हो। जो कोर्ट का अंतिम ऑर्डर आएगा उसके अधीन ये रिजल्ट है, संशोधित हो सकता है। और मैं उन सभी शिक्षा में साथियों से ये कहना चाहूँगा जो 30-33% के पास थे, या जिन जो अभ्यर्थी 30-33% की बाद उम्मीद थे कि वो 49 नंबर ला के पास हो जाएंगे, तो उनके लिए काफ़ी बहुत ही दुख की बात है। और मुझे बड़ा अफसोस भी है कि सरकार ने ऐसा किया है, क्योंकि 30-33% कहने के बाद अगर परीक्षा में 45-45 का रिजल्ट जारी किया जाता है परसेंट पे, तो थोड़ा दिक्कत तो आएगी ही। तो दोस्तों, आप जरा इस चीज़ को देखिए, थोड़ा समझिए, और जल्द ही कोर्ट के फैसला हो जाएगा, पता चल जाएगी। अगर सरकार काउंटर दाखिल करती है तो शायद 30-35 पे आ जाए रिजल्ट जारी करने के लिए। शायद सरकार ने 40-45 कट ऑफ ले लिया है, लेकिन मात्र 41,000 कैंडिडेट पास हुए हैं, इसलिए शायद सरकार कोर्ट में अगर ये काउंटर लगा दे कि हमारे जितने पद रिक्त थे उतने भी पद नहीं भरे हैं, तो उस कट ऑफ गिराने की इजाज़त दे दे, तो शायद कुछ राहत मिल जाए। तो दोस्तों, बस आज ये खबर मुझे आपको बतानी थी। इसमें जो खुशी की बात थी मेरे लिए, और आपको भी बताते हैं, लेकिन मैं उन साथियों से ज़रूर ये कहूँगा कि आप निराश ना हो जो 33% से बात पास हो रहे थे, कि जल्द ही सरकार ने चाहा तो शिक्षा मित्र BTC अभ्यर्थी अभी भी आंदोलित हैं ही 30-33% पर, कुछ ना कुछ रिजल्ट संशोधित हो जाता है। मैं आपका साथी इस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूँ। आज ही मैंने अभी रिजल्ट देखा अपना, सफल हुआ, बड़ी खुशी हुई, लेकिन साथ में ये अफसोस भी हुआ कि हमारे कई साथी थोड़े इसी नंबर की वजह से कुछ रह गए। 33% के पास वो बात तो पास थे वो, लेकिन 45% पर नहीं हो पाए, तो बड़ा अफसोस है उनके लिए। लेकिन हम सभी से यही कहेंगे कि हिम्मत किसी को नहीं हारनी है, किसी को कोई भी ऐसा डिप्रेशन नहीं लेना है, इतना बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जल्द ही देखते हैं कि इसका परीक्षा का परिणाम कोर्ट के अधीन जो है क्या फैसला आता है। लेकिन चलिए, एक छोटी सी खुशी थी आपके साथ मुझे जो शेयर करनी थी। आपका भाई, आपका छोटा अनुज, आपका साथी, मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका हूँ। और देखते हैं आप ज़िलेवार कितनी मेरिट बनती है। मैं ज़िला अलीगढ़ से हूँ, और देखिए यहाँ पर शायद 800 पद बताए थे, और इसी हिसाब से कितनी मेरिट बनती है, क्या निकलता है। भारंग की स्थिति अभी क्लियर नहीं है, विज्ञप्ति जारी होने पर ही भारंग की स्थिति क्लियर हो पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही था, यही मुझे आपको अपडेट देनी थी और अपनी खुशी आपके साथ शेयर करनी थी। और साथ के साथ उन शिक्षा मित्रों को जो मेरे साथी 33 से 45 बीच नहीं हो पाए, उनके लिए मैं पूरी दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सरकार को किसी भी प्रकार से काउंटर दाखिल करके इसको 33% पर रिजल्ट जारी करे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।